हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ की करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक, दैट इज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने पुराने लेक्चर्स में, पिछले इलेक्ट्रिकल करंट्स के लेक्चर्स में, डीसी सर्किट्स में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? डीसी करंट में ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। ओम्स लॉ में हमने दो तरह से पढ़ा था। ओम्स लॉ बेसिकली कहा था कि रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर एंड इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाऊ ए। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है? एल है। और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए है। और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई है, मास ऑफ कंडक्टर एम है, और उसमें इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज टाउ। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग क्या है कि रेजिस्टिविटी एक ऐसा पैरामीटर है, जैसे कि ये इंट्रिंसिक पैरामीटर है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि एनीथिंग विच डज नॉट डिपेंड अपॉन दी क्वांटिटी ऑफ द मैटर। तो पहले इस रिलेशन को कायदे से समझते हैं, दैट इज कि आपका आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाऊ ए। देखिए, इसमें से अगर हम कंडीशन ये है कि कंडक्टर को काट नहीं रहे हैं, मतलब कि कंडक्टर को दो टुकड़ों में नहीं कर रहे हैं, उसको खाली वी कैन स्ट्रेच, खाली उसको हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं। तो स्ट्रेच कर देंगे, जैसे मान लो कि एक कंडक्टर है, ये इसको हमने क्या किया? स्ट्रेच किया। तो ऑन स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग क्या होगा? इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? थोड़ा सा इसको यूनिफॉर्म बना दें, यूनिफॉर्म मतलब कि एकदम दोनों तरफ सेम हो क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कि ये एकदम बराबर होना चाहिए दोनों तरफ है। अब इसको हम जब स्ट्रेच कर देंगे तो क्या होगा? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा, एंड इट वॉज इनिशियली लाइक ऐसा था, हमने इसको खींच दिया। स्ट्रेचिंग से क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका घट जाएगा और लेंथ क्या होगी? बढ़ जाएगी। सपोज कर लेते हैं कि इसकी इनिशियल लेंथ आपकी एल थी और इसकी लेंथ कितनी हो गई? ये आपकी एल डैश हो गई। ठीक, तो यहां पे हम लोग जो बेसिकली देख रहे हैं, कंडक्टर को सिर्फ हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा पैरामीटर है जो कि कॉन्स्टेंट होगा। इसमें क्या होगा? ये कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन स्ट्रेच करेंगे तो क्या चीज आपकी वेरिएबल हो जाएगी? ये दोनों क्या है? वेरिएबल है। तो आपकी जो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाऊ है, ये एक कांस्टेंट है, ठीक, और इसी कांस्टेंट को हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो अगर इस वैल्यू को हम इसमें पुट करें, पुटिंग क्या होगा? आर इज इक्वल टू इस पूरे की जगह रो रख देंगे, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक, यहां से अगर हम रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालें, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर ए बाई एल आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ए इधर गया, आर ए हो गया, एल नीचे गया, आर ए बाई एल। ठीक, इसके यूनिट्स की अगर बात करें तो इट विल बी आर, रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम। और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होगी आपकी मीटर। तो ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, इसकी यूनिट क्या बनेगी? ओम मीटर। मतलब कि रेजिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक पैरामीटर। इंट्रिंसिक पैरामीटर्स आर दोज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट। जैसे आपकी डेंसिटी हो गई, क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप एक एम एल वाटर की डेंसिटी निकालेंगे,
सेम सोर्स से लिया गया वाटर, अगर 1 ml वाटर की निकालेंगे तब भी वही आएगी, 10 ml वाटर की निकालेंगे तब भी वही आएगी, 100 ml, 1000 ml, कितने भी ml ऑफ वाटर की डेंसिटी निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगी, सेम। बट द कंडीशन इज दैट कि वाटर शुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द सेम सोर्स, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज के वाटर में अलग अलग कंटेंट की मिक्सिंग होती है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर अगर किसी एक पॉइंट पे टच करोगे तो भी वही आएगा, ज़्यादा एरिया टच करोगे तो भी वही आएगा। मतलब मान लो हमें फीवर है तो अगर यहाँ पे कोई टच करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर वही बताएगा। टंग के अंदर थर्मामीटर लगाया जाएगा तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट वही बताएगा। पूरे बॉडी में ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पे टच किया तो अलग टेम्परेचर बता रहा है, पूरे माथे को टच कर लिया तो अलग टेम्परेचर बता रहा है। तो टेम्परेचर इज़ ऑल्सो एन इंट्रिंसिक पैरामीटर। तो नेक्स्ट पैरामीटर एक और होता है आपका एक्सट्रिंसिक, दैट मींस द पैरामीटर्स विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट। जैसे बात करें हीट, हीट क्या है, जितना ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा हीट होगी, है ना, या जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। मास, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कि ये प्रॉपर्टीज़ क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे डिपेंड करती हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया रो क्या है, एम अपॉन एनी स्क्वायर टाऊ, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, और इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय दी लेंथ। तो आप लोग इसको नोट कर लें, तो फिर हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो चलिए इसको रफ करते हैं। ये जनरली हर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करके रख ली जाती है, और इंजीनियरिंग लेवल पे जहाँ पे इसका काम पड़ता है अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी यूज़ कर लेते हैं हम लोग अपने कैलकुलेशन वर्क में। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टाऊ, यहाँ हो जाएगा एल अपॉन ए। थोड़ा सा एल आपका अजीब सा लग रहा है, ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा एल, तो एल, और ये आपका बन जाएगा रो, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, रो एल अपॉन ए। तो आपका रो क्या बनेगा, आर ए बाई एल। तो हम लोग करते हैं, करने जा रहे हैं वायर, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर वायर बेस्ड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि एक वायर थी हमारे पास, अ वायर इज स्ट्रेच्ड 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इफ द ओरिजिनल या इनिशियल आर इज इक्वल्स टू 20 ohm। एक वायर थी और उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या था, 20 ohm था, और उसको हमने उसकी एक्चुअल लेंथ से 10 सेंटीमीटर खींच दिया, मतलब स्ट्रेच कर दिया। तो एक वायर है, इसकी लेंथ क्या है, L है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है, ठीक है। स्ट्रेच किया इसको, क्या किया, स्ट्रेच, तो ये अपनी एक्चुअल लेंथ में इसमें कितना इंक्रीमेंट आ गया, 10% ऑफ L इसको खींच दिया गया, ये टोटल कितना हो जाएगा, एल डैश, भाई यहाँ तक इसकी इनिशियल लेंथ थी और उसमें 10% खींच दिया गया, इनिशियल लेंथ का 10% खींच दिया गया। जैसे मान लो कि इसकी लेंथ 1 meter थी, या इसकी लेंथ मान लीजिए 100 meter थी, 10 meter थी, तो 10% खींच दिया गया तो कितना होगा,
11 हो जाएगा, तो वही हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें इनिशियली हमारे पैरामीटर्स कुछ ऐसे थे कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। L बहुत अजीब सा बन रहा है, सही कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ आफ्टर स्ट्रेचिंग खींचने के बाद तो हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए योर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो इसको आप चाहे तो यहाँ मेंशन कर लो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया A था, बाद में हम बताया था ना कि हल्का सा दब जाता है एरिया, तो ये हो जाएगा A डैश। तो R डैश क्या होगा, एक पैरामीटर है जो केवल चेंज नहीं होगा क्योंकि वो इंट्रेंसिक पैरामीटर है, उसको चाहे वायर को जितना खींचो वो चेंज होने वाला नहीं है। चेंज क्या क्या हो गया हमारा, L चेंज हो गया तो L डैश हो गया, एरिया चेंज हो गया तो ये A डैश हो गया, ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड कर दें, या उल्टा कर लो, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, ज़्यादा अच्छा आसानी से रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो R डैश अपॉन R इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश अपॉन रो L अपॉन A। तो आपका आएगा R डैश अपॉन R इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश होल डिवाइड बाई रो L अपॉन A। तो आगे बढ़ेंगे क्या आएगा, रो L डैश अपॉन A डैश ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर, तो A अपॉन रो L। तो आपका देखिए रो डेंसिटी का क्या हो गई, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कैंसिल हो गई, तो आपका आएगा अगर इनको एक साथ लिख लें कि L डैश अपॉन L इंटू A अपॉन A डैश। इतना पहले नोट करें आप लोग, क्वेश्चन रफ कर देते हैं। उसका इनिशियल रेजिस्टेंस 20 ओम था, ये याद रखिएगा, ठीक है। आर की वैल्यू 20 ओम है, इसको कॉर्नर पे कहीं लिख देते हैं कि अवर वैल्यू ऑफ आर इनिशियल रेजिस्टेंस इज 20 ओम, ठीक है। तो यहां से आर डैश अपॉन आर कितना आएगा, आपका आ गया कि R डैश अपॉन R इज इक्वल टू L डैश अपॉन L इंटू A अपॉन A डैश, ठीक है। ये एक इक्वेशन बना के यहाँ पर रख देते हैं इसको, चलो देखिए, वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब कि वॉल्यूम बिफोर इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम आफ्टर, ठीक। तो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश इंटू एल डैश। भाई स्ट्रेच करने से पहले एरिया इंटू लेंथ था, स्ट्रेच करने के बाद ए डैश इंटू एल डैश हो गया। तो क्या आएगा भाई, A अपॉन A डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, L डैश अपॉन L। इस A को इसके नीचे ले आया और इस L को नहीं, L डैश के नीचे ले आया, ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आपका L डैश क्या है, L था, लेंथ तो थी, उसमें 10% बढ़ा दिया गया, किसका, इनिशियल का 10% ऑफ L। तो आपका L डैश कितना आएगा, L प्लस 10% का मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ L, मतलब मल्टीप्लाइड बाई L, तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये कट के यहाँ आ जाएगा, तो L डैश कितना आ जाएगा, L प्लस 0.1L, दैट मीन्स कि 1.1L। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो L डैश इज इक्वल टू 1.1L, तो L डैश अपॉन L कितना आ गया, 1.1 के बराबर आ गया। और ऊपर देख लीजिए, आपका R डैश अपॉन R कितना आ रहा था, L डैश अपॉन L की जगह आप 1.1 रख सकते हो, देख लीजिए भाई।
और ए अपॉन ए डैश, ए अपॉन ए डैश इसके बराबर है, एल डैश अपॉन एल के बराबर है, एल डैश अपॉन एल की वैल्यू 1.1 आई है, तो ये भी 1.1। समझिएगा बात को, आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन ए डैश, ठीक है। तो ए अपॉन ए डैश, थोड़ा सा एक स्टेप मैं गैप कर रहा था, इसको नहीं करता। तो आप एल डैश अपॉन एल लिखा है और ए अपॉन ए डैश क्या है, देखो एल डैश अपॉन एल के बराबर है, लिख लो इन टू एल डैश अपॉन एल। तो ये क्या हो जाएगा, एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर, और एल डैश अपॉन एल की वैल्यू आपको पता है 1.1, दैट मीन्स कि 1.1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1.21। तो आपका आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू 1.21, ठीक है। तो यहाँ से आपका आर डैश निकल आएगा 1.21 मल्टीप्लाइड बाय आर, आर कितना है 20 ओम, तो 1.21 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, 1.21 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो एक जीरो कैंसिल आउट होगा, एक पॉइंट इधर आएगा, तो आपका रेजिस्टेंस आर डैश कितना आ गया, आपका आर डैश कितना आ गया 24.2 ओम, परसेंटेज इंक्रीज दिख रहा है ना, इंक्रीज हुआ है, कितना आएगा आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, तो कितना आएगा 24.2 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा 4.2 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, तो इट इज़ सम वॉट 0.42, तो लगभग आ जाएगा 21%, लगभग नहीं एग्जैक्टली, तो परसेंटेज इंक्रीज 21%, इतना आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग इसकी एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। आई नो कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ICSE एंड CBSE बोर्ड आर गोइंग टू अपीयर फॉर द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, सो देयर यू नीड नॉट टू डू द डू सच अ लॉन्गेस्ट लॉन्ग कैलकुलेशन। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। याद रखिएगा, आपका एक बेसिक ट्रिक है कि आर डैश इज इक्वल टू होता है एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। अब देखिए हाउ टू फाइंड एन, है ना, ये एक मसला है। देखिए अगर वायर को, इफ वायर इज स्ट्रेच 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो एल डैश क्या बनता है आपका, एल प्लस 10% ऑफ एल, तो ये आता है क्या, एल प्लस 10/100 ऑफ एल, मतलब कि 1.1 L, ठीक। तो ये क्या है आपका, यही आपका एन है। अगर कहे 20% स्ट्रेच, तो एल डैश कितना आएगा, एल प्लस 20% ऑफ एल, तो कितना आ जाएगा, ये ज़रा देखिए, L प्लस 20/100 इंटू एल क्या आएगा, L प्लस 0.2 L, मतलब कितना आ जाएगा 1.2 L, तो आपका N क्या हो जाएगा। अगर कह दे ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ या स्ट्रेच ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि L डैश जो होगा वो क्या होगा 2L, साफ साफ बता रहा है कि अपनी लेंथ का दुगना, ठीक है। तो आपका N क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे N की वैल्यू रखिए, हो गया कहानी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।